गर्ल्स मॉडल कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्र सेविका द्वारा शक्ति समागम का आयोजन किया गया। विदिशा और रायसेन जिले की विभिन्न तहसीलों से 1,000 से ज्यादा मातृ शक्ति हुई शामिल। गर्ल्स मॉडल कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशंसित महिला संगठन राष्ट्रीय सेविका द्वारा शक्ति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें विदिशा और रायसेन जिले के विभिन्न तहसीलों से 1,000 से ज्यादा माताएं बहनें सम्मिलित हुई। कार्यक्रम की संयोजिका राष्ट्रीय वैद्य ने बताया कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें मातृशक्ति को सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा, वहीं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पुरस्कार वितरण भी होंगे। क्योंकि तालियां तो वैसे भी फायदेमंद है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि दूध दही जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, है ना? इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशी बांटने आज तरुणाई दिखा दो तुम, नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाओ तुम। डॉक्टर राजश्री वैद्य, महिला समन्वय विदिशा विभाग की विभाग संयोजिका हूँ। इस नाते कार्य कर रही हूँ और ये कार्यक्रम चूँकि भारतवर्ष में सारे विभागों में महिलाओं के लिए मनाना है और चूँकि हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए हैं, इसलिए इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। अतः इसमें विदिशा और रायसेन जिले की जितनी भी तहसील हैं, जैसे बासोदा है, बरेली है, इत्यादि सभी स्थानों से बहनें आई हुई हैं और लगभग 1,000 महिलाओं से अधिक इस संगठन में आई हुई हैं। इस कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और उसका पुरस्कार वितरण भी बच्चों को किया जाएगा और महिलाओं के स्त्री विमर्श के बारे में इसकी चर्चा हो रही है कि महिलाओं की क्या स्थिति है भारत में, पहले क्या स्थिति थी, और इस तरह की ऊर्जावान बहनों को बुलाकर महिलाओं को प्रेरणा दिलवाई जा रही, प्रेरणा स्रोत के रूप में, और महिलाओं से भी कुछ महिलाएं भी उनसे कुछ प्रश्न करेंगी। और इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो कि सांची विश्वविद्यालय की कुलपति हैं वो भी हैं, भक्ति शर्मा जो कि युवा सरपंच है, और माननीय शशि ठाकुर दीदी, डॉक्टर शशि ठाकुर जो कि हमारे महिला समन्वय की प्रांत की संयोजिका है, तो उनका भी उद्बोधन हमें प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। इस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा है।